लगातार जारी है। पिछले दिनों आरएसएस को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी थी और अभी उनका एक नया बयान आया है कि हिंदुत्व शब्द जो है वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है और इसका उपयोग सिर्फ अपने मंशा पूरी करने के लिए किया जा रहा है। नो कमेंट्स, मैं नहीं जानती उनने कौन सा शास्त्र पढ़ा, कहाँ पढ़ा। जो सनातन है, जो सत्य है, जो जिसका कभी इन्हें बाकी मजहब तो पैदा होते मरते हैं, पर जो सत्य सनातन परंपरा है वो तो अनादिकाल से चली आ रही। वेद वेदांत को नकारने वाले ये कौन से शास्त्र पढ़ के बात करते हैं, मेरी समझ से परे है। फिर से कोरोना की तीसरी लहर की आमद हो चुकी है, लगातार इंदौर में जो है संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर आपकी, किस तरीके से बात हुई है? देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है और इससे बचने के सभी उपाय के लिए शासन प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमारी पुख्ता तैयारियां हैं, चाहे बात अस्पताल की हो, दवाओं की हो या काढ़ा वितरण की हो, प्रशासन सजग है, सतर्क है और सबसे अपनी दिनचर्या सुधारने की प्रार्थना भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज तो विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और सूर्य नमस्कार की जो पावन परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ की, हर व्यक्ति अपने जीवन का उसको हिस्सा बनाए, सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करे और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखे, तो ऐसी बीमारियां हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैम, देखा जा रहा है कि पर्यटक स्थल पर काफ़ी पाबंदी तो अभी कहीं लगाने की बात नहीं है, बस जन जागरण की बात है। सभी से प्रार्थना है कि खुद को बचाते हुए, सजग सतर्क रहते हुए हम अपने सभी आवश्यक कार्यों को करते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।